मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आइए रुक करते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों की ओर। अयोध्या की रामलीला कमेटी ने कानपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें भोजपुरी अभिनेता और सांसद मनोज तिवारी ने शिरकत की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मनोज तिवारी ने अयोध्या की रामलीला के बारे में बताया और साथ ही उन्होंने ओवैसी पर जम कर निशाना साधा और कहा कि ओवैसी और उनके जैसे लोग डबल स्टैंडर्ड के लोग हैं। देखिए, मैं ओवैसी जी को कई बार संसद में एक कानून की जो किताब होती है उसको लहरा लहरा के बात करते हुए देखा हूँ कि संविधान से चलना चाहिए, संविधान से चलना चाहिए। आज जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो उनका संविधान कहाँ चला गया है? ये ऐसे डबल स्टैंडर्ड के लोग हैं। ज्ञानवापी पीओ का आदेश माननीय कोर्ट ने दिया है, माननीय न्यायालय ने दिया है, और उसके ऊपर अगर कोई टिप्पणी करता है या नानुकुर करता है तो वो निश्चित समझ लीजिए कि दाल में कुछ काला है। खबर औरैया से है, जहां शहर के मुख्य सड़कों पर मौजूद अतिक्रमण के चलते जाम की गंभीर समस्या खड़ी हो रही है। इसको लेकर जिला प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन के अधिकारियों ने व्यापारी नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें जिला प्रशासन ने व्यापारी नेताओं से शहर में मौजूद अतिक्रमण की समस्या को दूर करने में सहयोग की मांग की। नगर क्षेत्र में भ्रमण के समय मेरे द्वारा ये भी देखा गया कि जो भी नाली है, नाले बने हैं, उसके बाहर दुकानदारों ने व्यापारियों ने काफ़ी बढ़ाकर सड़कते, जिससे हमेशा जाम की समस्या बनी रहती है और ग्राहकों को भी असुविधा होती है, आमजन को भी असुविधा होती है। तो आज ये बैठक इस उद्देश्य से बुलाई गई थी व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों से कि हम लोगों ने एक मानक तय किया है कि नाला जो भी उसके अंदर ही दुकानदार अपनी दुकानें लगाएंगे, बाहर नहीं लगाएंगे। इसी क्रम में विचार विमर्श किया गया है। इसका कार्यक्रम हम लोग सोमवार से शुरू करेंगे हटाने का। इसके पहले लोगों को सूचित भी किया जाएगा दुकानदारों को अपनी स्वेच्छा से। गाजियाबाद के मुरादनगर थाना क्षेत्र के निवासी बाबी आतंकी हमले में शहीद हो गए। आपको बता दें कि बाबी श्रीनगर के अखनूर में तैनात थे। आतंकियों से मुकाबला करते हुए उनके गले में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में ले जाया गया और जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। वहीं आर्मी हेडक्वार्टर से शहीद के परिजनों को सूचना दी गई, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। अलीगढ़ नगर निगम ने गांधी पार्क के बारादरी तक सुरक्षा और अतिक्रमण अभियान चलाया गया, जिसके चलते सहायक नगर आयुक्त ने लोगों को स्वस्थ स्थायी अतिक्रमण हटाने की मांग कही है। वहीं नगर निगम ने अवैध अतिक्रमण पर लाल निशान लगाया, जिसके साथ ही बारादरी चौराहे पर अभियान खत्म किया गया। आज गांधी शेल्टर होम से लेकर के पत्थर बाजार होते हुए बारादरी चौराहे तक आए हैं और इसमें मोस्टली हमारे दुकानदार भाइयों ने सहयोग किया है। अब कोई भी सामान जो है अतिक्रमण में नहीं मिला है, सारे नाली के पीछे हो गए हैं। फिर भी हम उनसे अनुरोध कर रहा हूं, आपके महानगर वासियों से अनुरोध कर रहा हूं कि जिस व्यवस्था में इस समय खड़े हैं आप ये व्यवस्था मेंटेन रखें। अगर आप इस व्यवस्था को तोड़ेंगे, कोई सामान नाली के ऊपर लाएँगे या सड़क पर लाएँगे तो उसको जब्त किया जाएगा और भयवी जुर्माने की व्यवस्था की जाएगी। खबर अलीगढ़ के दहली गेट थाना इलाके से है, जहां एक ग्राहक के दुकानदार से मारपीट का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि ग्राहक कपड़े खरीदने दुकान पर पहुंचा, जहां दुकानदार के पैसे मांगने पर ग्राहक ने उसके साथ मारपीट की और उसके चेहरे पर ब्लेड से वार किया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया। आपको बता दें कि घायल युवक को जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। कितने पैसे निकल लेते हैं लोअर के? फिर क्या हुआ? बिना लेके छुरी छुरी लग रही थी, छुरी कहाँ लगी है? इसके चेहरे पे लगी है। अभी इस समय कहाँ पर हो आप? पुलिस तो करिए, आपने कम्प्लेंट कर दी हमने। खबर देवरिया जनपद से है, जहां राजकीय महिला डिग्री कॉलेज की छात्राओं ने कॉलेज के प्रचार पर अभद्रता का आरोप लगाया है। छात्राओं का कहना है कि प्रचार उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। वहीं कॉलेज के प्रचार का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपनी सरकारी आवास से अपनी गाड़ी में एक छात्रा को ले जाते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कॉलेज के अन्य अध्यापकों का कहना है कि आरोपी प्रचार की कई बार शिकायत आ चुकी है।
सच्चाई के लिए तो जांच कमेटी आई रही है, पूरी जांच हो ही जाएगी जी, कि कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि कंप्लेंट आ रही थी लड़कियों की लगातार, और हम लोग के द्वारा उनको बार बार बोला जा रहा था कि इस तरीके की अगर कोई भी बात है तो उसे स्टॉप कर दिया। अधिकारी से बात की क्षेत्रीय सर से जी, कि सर इस तरीके की शिकायतें आ रही हैं कॉलेज में, उन्होंने आश्वासन भी दिया उनको कि मतलब ठीक है हम इस मामले को देखते हैं। उन्होंने अपने सीनियर से बात किया, उस पर जांच कमेटी बैठाई गई है और जल्दी हो सकता है जांच कमेटी आएगी। खबर औरैया से है जहां खाद्य सुरक्षा विभाग ने शहर में खान पान की चीजों के नमूने लिए। इस दौरान कई दुकानदारों सहित ठेले पर भी रखी खाद्य सामग्री को चेक करते हुए उनकी गुणवत्ता पर की। इस दौरान विभाग के अधिकारियों ने बड़ी दुकानों के भी मिठाइयों के नमूने लिए। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि गर्मी को दृष्टिगत रखते हुए ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसके कोई भी दुकानदार ग्राहकों को खराब चीज न दे सके, जिससे कि उसके स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़े। औषधि प्रशासन विभाग की तरफ से मौके पर जांच करके रिपोर्ट बताने के लिए है, जन जागरूकता के उद्देश्य से। अभी हमने 21 नमूने जांच किए हैं, जिसमें से लगभग सभी मानक के अनुरूप पाए गए हैं। कुछ में स्टार्च डाला गया है, जैसे छेना वगैरह बगैर स्टेज के स्टार्च के नहीं बनता है, तो और तो ऐसा कोई अनामिली नहीं मिली है। खबर सिद्धार्थनगर से है जहां डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल ने प्रधानमंत्री सड़क योजना के चलते 7 किलोमीटर और 200 मीटर की सड़क की नींव रखी, जो क्षेत्र में अब तक सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि नजर आ रही है। ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत स्वीकृत कराए, इस सड़क की बहुत मांग थी, बहुत प्रतीक्षित थी। जैसा आपने कहा कि अगर एक शाहपुर से सिनारजोत महत्वपूर्ण थी, तो बिजौरा से सोहना की भी सड़क लाइफलाइन थी। अब इसके बनने से निश्चित तौर से इस क्षेत्र के लोगों को आवागमन की इतनी सुविधा हो जाएगी, चाहे अस्पताल जाना हो, इटवा जाना हो, दुमरियागंज जाना हो, बस्ती सिद्धार्थनगर जाना हो, तो ये एक तरह से लाइफलाइन पूरा हुआ है। और इस तरह से हमने 35-45 सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भारत सरकार से स्वीकृत कराई है, जिसका करीब 2,45,00,00,000 धनराशि स्वीकृत हुई है। औरैया के सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च ने एक दिवसीय मीडिया संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें जिले के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शिशिर पुरी शामिल हुए। उन्होंने स्वास्थ्य संबंधित कार्यक्रम को सफल बनाने में मीडिया की भूमिका के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने फाइलेरिया बीमारी को खत्म करने के संदेश को जन जन तक पहुँचाने की अपील की। बचाव ही इसका एक तरीका है, जिसमें कि हम प्रत्येक वर्ष डीसी और एडमिटाजोन की गोली घर घर जाकर खिलाते हैं। तो मेरा सभी मीडिया कर्मियों से अनुरोध रहेगा। मथुरा में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां थाना नौझील इलाके में यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए भीषण हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि यह हादसा माइलस्टोन 68 के पास हुआ। यमुना एक्सप्रेसवे पर वैगनार कार और अज्ञात वाहन में जोरदार टक्कर हुई, इसमें कार के पर खच्चे उड़ गए। हादसे में कार में सवार 3 पुरुष, 3 महिला और 1 बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं दर्दनाक हादसे पर पीएम मोदी और सीएम योगी ने घटना पर दुख जताया है। क्षेत्र अंतर्गत यमुना एक्सप्रेस वे हाईवे पर माइलस्टोन 68 के निकट एक वैगनार वाहन UP16DB9872 का एक अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट हो गया, जिसके फलस्वरूप वैगनार में सवार 3 पुरुष, 3 महिला एवं 1 बच्चे की मौके पर ही मृत्यु हो गई है। 1 पुरुष, 1 बच्चा घायल है, जो कि हॉस्पिटल में उपचाराधीन है। यह वाहन संडीला हरदोई से नोएडा की ओर एक वैवाहिक समारोह में जा रहा था। इस प्रकरण में जांच करते हुए अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।
आम जनता को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत पे 50 रुपए का इजाफा हुआ है। इसी के साथ ही अब घरेलू सिलेंडर की कीमत 999 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर हो गया है। एलपीजी सिलेंडर की बढ़ी हुई कीमत आज से पूरे देश में लागू हो गई है। एलपीजी सिलेंडर के दाम ऐसे वक्त बढ़े हैं जब आम आदमी पेट्रोल और डीजल पर महंगाई की मार झेल रहा है। बिजनौर के एक गांव की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। वीडियो में गांव का प्रधान एक महिला को सरेआम डंडे से मार रहा है। पीड़ित महिला का आरोप है कि प्रधान उसके साथ अभद्रता करने की कोशिश कर रहा था। विरोध करने पर प्रधान ने उसे मारना शुरू कर दिया। वहीं एसपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी प्रधान की गिरफ्तारी के लिए आदेश दिए। आप वही टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से महिला के साथ मारपीट करता हुआ ग्राम प्रधान नजर आ रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद फिलहाल एसपी ने इस पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। जनपद बिजनौर में महिला के पीटने संबंधित वीडियो वायरल हुआ है। पूरा मामला थाना चांदपुर के बेरखेड़ा गाँव का कल शाम का है। एक साजिद नाम के मौजूदा प्रधान ने एक महिला जो उसी समुदाय की है, मुस्लिम समुदाय की, पंचायत घर के पास खेत के पास मामूली कहा सुनी को लेकर के उसके साथ मारपीट किया, अभद्रता किया। इस संबंध में छेड़खानी एवं सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। मौजूदा प्रधान को हिरासत में एवं हवालात के अंदर रखा गया है। विधिक कार्रवाई करके आज उसे जेल भेजा जा रहा है। खबर अलीगढ़ से है जहां बिना मान्यता के संचालित स्कूलों पर बेसिक शिक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है, जिसको लेकर जिला बेसिक शिक्षा विभाग ऐसे स्कूलों का लिस्ट तैयार करने में जुट गई है जिनको सील किया गया था। जबकि बेसिक शिक्षा विभाग ने वर्ष 2019-20 में ऐसे 34 स्कूलों को नोटिस भेजा था जो अवैध रूप से संचालित थे और अब इन स्कूलों को सील करके इसमें पढ़ रहे बच्चों का मान्यता प्राप्त स्कूलों में दाखिला कराया जाएगा। देखिए, जनपद अलीगढ़ के लिए क्या पूरे प्रदेश के लिए ये जो अमान्य स्कूल है, इस पर डायरेक्टर साहब का विशेष वो है कि जो अमान्य स्कूल चल रहे हैं उनको तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने खंड शिक्षा अधिकारी से अपने सूचना मांगी है कि अपने ब्लॉक का भ्रमण कर लें और ये चिन्हित कर लें कि कौन सा स्कूल गैर मान्यता प्राप्त है, और उस पर गैर मान्यता प्राप्त होने के बाद उसको नोटिस आना जो कार्रवाई की जाएगी वो उसके बाद आएगी। अभी क्योंकि 2-3 दिन पहले ही लेटर हमने जारी किया है तो सूचना हम कलेक्ट कर रहे हैं। अगर कोई गैर मान्यता विद्यालय कहीं चलता पाया गया तो उस पर सख्त कार्रवाई की। खबर अलीगढ़ के मदीना कॉलोनी के भुजपुरा क्षेत्र से है जहां लोग दूषित पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। आपको बता दें कि क्षेत्र के लगभग 50,000 लोग पानी खरीद कर पी रहे हैं जिससे उनके घर का बजट बिगड़ रहा है। वहीं अपर नगर आयुक्त तो कहना है कि मदीना कॉलोनी और भोजपुरा में पुरानी जर्जर पाइपलाइन में जगह जगह लीकेज होने से गंदा पानी आ रहा है और जल्द ही लीकेज पाइपलाइन को सही करवा दिया जाएगा। मेरे संज्ञान में है कि अमृत योजना के तहत वार्ड नंबर 55 जो आप मदीना और भोजपुरा क्षेत्र बता रहे हैं उसके लिए नए ओवरहेड टैंक बनाए गए हैं और नए ट्यूबवेल्स बनाए गए जिनकी कमीशनिंग का काम और टेस्टिंग का काम अभी चल रहा है, जिसके कारण गंदे पानी की शिकायत हो सकती है। जहाँ जहाँ से भी गंदे पानी की शिकायत प्राप्त हो रही है उसको हम लोग प्राथमिकता पे, सर्वोच्च प्राथमिकता पे उसका निस्तारण करा रहे हैं। फिर भी एक बार पूरे उस क्षेत्र का मैं सघन निरीक्षण करा के जहाँ भी गंदे पानी की शिकायत होगी उसको दूर किया जाए। अब तक की खास खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस